हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरे प्याज की सब्जी। वैसे तो ये हरे प्याज आलू की सब्जी आप सभी अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन ये नॉर्मल सी सब्जी भी रेस्टोरेंट से मंगाई लग सकती है। चलिए आइए आपके लिए बनाते हैं। यहाँ कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 लाल मिर्च डाली हैं। अब हम इसमें चॉप किए हुए आलूओं को डालेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 आलू कट कर लिए हैं। अब हम इसमें आलू डालकर फ्राई करेंगे। इन आलूओं में हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा गल जाने तक हम आलूओं को ढककर पकाएंगे। अभी आलू थोड़े ही गले हैं, अब हम इन्हें खोलकर ही गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इन आलूओं में अब हम 1/4 चम्मच देगी लाल मिर्च और 1/4 मिर्च हम डालेंगे कुटी हुई, जिससे आलूओं का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे तीखे और करारे आलू तैयार हैं, अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ मैंने हरी प्याज का हरा पार्ट और सफेद प्याज अलग अलग कट की है। अब हम इसमें सफेद प्याज को डालकर थोड़ा भून लेंगे। प्याज भून जाने के बाद हम इसमें 2 कट किए हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को भी थोड़ा गला लेंगे और अच्छे से भूनेंगे। टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं और टेस्ट आए, इसके लिए हम इसमें 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे। आपको याद होगा हमने आलूओं में भी 1/4 चम्मच डाला था। प्याज और टमाटर को थोड़ा सा गला लेंगे ढककर, उसके बाद हम इसमें फ्राई किए हुए आलू मिला देंगे। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। सब्जी अच्छे से गल जाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच। इसके बाद हम इसमें हरी प्याज का हरा पार्ट भी पत्तियों वाला डाल देंगे। ये पत्ते ऐसे ही गल जाते हैं, इसलिए इनको 2 मिनट के लिए ढककर पका लें। सब्जी तैयार हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। लीजिए हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और हरे पत्ते कितने अच्छे दिख रहे हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।